यूपीएससी की परीक्षा में पॉलिटी एक ऐसा पेपर है जो संभावनाएं तो असीमित रखता है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है छात्रों का। हमारे हिसाब से इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब हम यूपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर टू को देखते हैं तो उसका जो टाइटल है उसमें दो वर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं। सिलेबस हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें पॉलिटी भी पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन उसका सैद्धांतिक हिस्सा है, वो दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। राज व्यवस्था या पॉलिटी उसका एप्लीकेशन है, और जो घटनाएं चल रही हैं संविधान पर आधारित उसको राज व्यवस्था कहते हैं। समस्या वहां पे आती है कि हम चुनाव आयोग तो पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 324 है, चुनाव आयोग है, रचना है, संविधान में क्या है, लेकिन उसके साथ हम ये नहीं जानते कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को चेंज कर दिया और संविधान से अलग कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम आ गया। और उस कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए अभी जो विंटर सेशन हुआ, शीतकालीन सत्र, उसमें हमारी सरकार एक नया बिल लेकर आ गई जिसमें उस कॉलेजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट को चेंज कर दिया। तो अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का और ये जो बिल एक्ट बन गया अपॉइंटमेंट का, ये पॉलिटी है, और जो आर्टिकल 324 है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे हिसाब से हमें ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेस रखें और उस पर पॉलिटी का एप्लीकेशन रखें, और अगर ये कर पाएंगे तो कोई संदेह नहीं है कि पॉलिटी हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो एक ये बात, और एक दूसरी छोटी सी बात कि पॉलिटी का बेस बहुत जरूरी है, बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन हर कोई पढ़ता है पॉलिटी, समझता बहुत कम है। अब देखो यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, 99% वीडियो में लोग कहेंगे 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता है। कायदे से 19(1)(a) कुछ है ही नहीं, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो जो विदाउट ब्रैकेट है वो आर्टिकल है, पहला ब्रैकेट क्लॉज है, दूसरा ब्रैकेट सब क्लॉज। अब ये बहुत छोटी बात है लेकिन इससे आपका पूरा अप्रोच बदलता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, 5 लोगों ने 19(1)(a) बोला, आपने कहा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। तो थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान रखें तो पॉलिटी बहुत ही शानदार हो सकता है आपके लिए। प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए दरवाजे खोल सकता है, और इसको बहुत शानदार इसी अप्रोच पर 18 साल से पढ़ाता रहा हूं मैं, आगे भी आपको पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतर हम लोग आगे बढ़ेंगे।